सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल। दोस्तों, गूगल फॉर्म के रिलेटेड मैं बहुत सी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, आप गूगल प्ले लिस्ट में विजिट करके देख सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप गूगल फॉर्म गूगल क्रोम की बजाय एंड्रॉयड मोबाइल ऐप में क्रिएट करना चाहते हो तो कैसे करना है। ये सभी देखने के लिए बने रहिए मेरी वीडियो के एंड तक। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद यहाँ पे टाइप करना है फॉर्म्स ऐप। आपके पास यहाँ पे सर्वे हर्ड की तरफ से ऐप शो होगी, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद ओपन पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने टिक पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे आप टिक पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ईमेल आईडी शो हो जाएंगी। तो आपने यहाँ पे ईमेल आईडी चूज करनी है जिसके थ्रू आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो, या आपने ऑलरेडी फॉर्म क्रिएट किया हुआ गूगल फॉर्म में, आपने उस ईमेल आईडी को चूज़ करना है। दोस्तों, जैसे आप इस ईमेल आईडी को चूज़ करोगे तो इसी ईमेल आईडी के थ्रू आपका गूगल फॉर्म में फॉर्म सेव हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगी फॉर्म्स, क्विज, ड्राफ्ट एंड मोर। दोस्तों, जैसे आप प्लस के साइन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा फॉर्म्स एंड क्विज। अगर आप सर्वे हट के थ्रू फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो या क्विज क्रिएट करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे किसी को भी चूज करना है। जैसे ही क्विज के रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें आप साथ में टाइमर लगा सकते हो, तो जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड टाइमर आप यूज कर सकते हो, जिसको मैंने पर्सनली टेस्ट किया है। दोस्तों, उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में लगा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एंड एंड स्क्रीन में लगा दूंगा। एंड दोस्तों, अगर आप सिंपल फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो सर्वे हट के थ्रू तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप गूगल फॉर्म्स के थ्रू फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो तो आपने यहाँ मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद आपने गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ गूगल फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपके पास फिर से ईमेल आईडी यूज करने की ऑप्शन आएगी, तो आपने यहाँ ईमेल आईडी यूज करनी है। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका ऐप गूगल फॉर्म के साथ सिंक हो जाएगी। अगर आपने ऑलरेडी गूगल फॉर्म के थ्रू कोई फॉर्म क्रिएट किया तो आपको यहाँ पे सभी फॉर्म्स शो हो जाएंगे। एंड दोस्तों, अगर आप कोई न्यू फॉर्म क्रिएट करना चाहते हो तो आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लस के साइन पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट शो हो जाएगी, जैसे फीडबैक, एजुकेशन, हेल्थ, फूड, एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन, ट्रैवल एंड टूर्स। आप यहां पे किसी भी टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हो दोस्त। लेकिन यहां पे मैं अभी क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करूंगा। दोस्तों, जैसे आप क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहां पे ब्लैंक फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने अनटाइटल फॉर्म पे क्लिक करना है। दोस्तों, आपने यहां पे रीनेम करना है फॉर्म को। अभी यहां पे मैं रीनेम कर रहा हूं। दोस्तों, यहां पे मैं अभी कीबोर्ड अटैच किया हुआ है मोबाइल के साथ, तो मैं अभी यहां पे कीबोर्ड के थ्रू राइट करूंगा। टाइटल राइट करने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। दोस्तों, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन राइट करने के बाद आपने एंटर पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ एंटर पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास प्लस का साइन आएगा। जैसे आप प्लस के साइन पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपके पास यहाँ पे सेम सेम ऑप्शन शो हो जाएंगे जो भी गूगल फॉर्म में शो होती हैं। जैसे अभी हम यहाँ पे शॉर्ट आंसर पे क्लिक करेंगे। शॉर्ट आंसर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट। दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को रिक्वायर्ड करना चाहते हो, मीन्स कि विदाउट इसका आंसर करे बिना स्टूडेंट फॉर्म को सबमिट ना कर पाएं, क्वेश्चन पेपर को सबमिट ना कर पाएं, तो आपने यहाँ रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देना। जैसे आप रिक्वायर्ड पे क्लिक करोगे तो ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे क्लिक करके अपना आंसर राइट कर सकते हैं। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। एंड दोस्तों, फिर से आपने क्वेश्चन राइट करने के लिए प्लस के साइन पे क्लिक करना है। फिर से आप नेक्स्ट क्वेश्चन राइट कर सकते हो, जैसे रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट, आप इसे भी रिक्वायर्ड पे क्लिक करके रिक्वायर्ड कर सकते हो। फिर से आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट सेक्शन क्रिएट करना चाहते हो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के बाद, पार्ट ए सेक्शन क्रिएट करना चाहते हो, तो आपने ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास सेक्शन का टाइटल ऐड करने की ऑप्शन आएगी, तो आपने यहाँ पे टाइप करना है पार्ट ए। उसके बाद अगर आप डिस्क्रिप्शन में कुछ राइट करना चाहते हो तो आप राइट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हो। फिर से आपने प्लस के साइन पे क्लिक करना है। दोस्तों, आफ्टर दैट आप कोई शॉर्ट क्वेश्चन राइट करना चाहते हो, आप शॉर्ट क्वेश्चन राइट कर सकते हो, जैसे हमने नेम एंड रोल नंबर राइट किया है। उसके बाद अगर आप कोई लॉन्ग आंसर के लिए क्वेश्चन क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके लॉन्ग आंसर के लिए क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे ऑप्शन आ रही है मल्टीपल चॉइस की। अगर आप कोई मल्टीपल चॉइस एंटर करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्वेश्चन राइट कर देना है। दोस्तों, क्वेश्चन में आपने सबसे पहले नंबरिंग राइट करनी है। नंबरिंग राइट करने के बाद आपने यहाँ पे क्वेश्चन एंटर करना है। दोस्तों, प्रॉपर क्वेश्चन राइट करने के बाद आपने ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करोगे उसके बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन राइट करनी है।
नेक्स्ट ऑप्शन ऐड करने के लिए आपने यहाँ फिर से ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से आपने ऑप्शन ऐड कर देनी है, फिर से आपने नेक्स्ट ऑप्शन पे राइट करना है, जो है फिर से आपने ऑप्शन राइट कर देनी है। दोस्तों इस टाइप से आप यहाँ पे कितनी भी ऑप्शन राइट कर सकते हो। दोस्तों आप यहाँ पे मोर देन फोर ऑप्शन भी राइट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे करेक्ट आंसर राइट एंटर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे करेक्ट आंसर को चूज नहीं कर सकते। दोस्तों मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि आपने करेक्ट आंसर कैसे चूज करना है। करेक्ट आंसर के लिए हमें ब्राउजर के थ्रू ओपन करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही इजीली आप ब्राउजर के थ्रू ओपन कर सकते हो एंड साथ में वहाँ पे मार्क्स भी ऐड कर सकते हो क्वेश्चन पेपर को उनके थ्रू ओपन करेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। अगर आप इस क्वेश्चन को रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड अगर आप क्वेश्चन को डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके फुल क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा विद ऑप्शंस। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को डिलीट करना चाहते हो तो आप क्रॉस पे क्लिक करके किसी भी ऑप्शन को डिलीट कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट करने के लिए आपने प्लस पे के साइन पे क्लिक करना। जैसे आप प्लस के साइन पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आप चेक बॉक्स क्वेश्चन राइट कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पे फिर से क्वेश्चन नंबर टू राइट करना है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन राइट करने के बाद फिर से आपने ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके आप ऑप्शंस राइट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे चेकबॉक्स क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया। अगर आपको ड्रॉप डाउन क्वेश्चन राइट करना चाहते हो तो आपने यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पे फिर से क्वेश्चन राइट कर देना है। उसी टाइप से आप इसकी ऑप्शंस भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शंस ऐड कर रहा हूँ। एंड दोस्तों अगर आप किसी अदर टाइप का क्वेश्चन राइट करना चाहते हो, जैसे लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस, डेट, टाइम या नेक्स्ट सेक्शन ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड सेक्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट सेक्शन ऐड कर सकते हो। एंड अगर आप कोई सेक्शन को डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके सेक्शन को डिलीट भी कर सकते हो। जैसे अभी यहाँ पे मैं इस सेक्शन को डिलीट कर रहा हूँ। दोस्तों क्वेश्चन पेपर राइट करने के बाद आपने यहाँ सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाएगी, कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर आप स्टूडेंट का ईमेल एड्रेस कंपलसरी करना चाहते हो तो आपने फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर देना है। आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो। दोस्तों ये ऑप्शन है अलाउ मल्टीपल रिस्पॉन्ड्स। अगर आप एक से ज़्यादा रिस्पॉन्ड एक्सेप्ट करना चाहते हो स्टूडेंट के तो आपने इसे इनेबल कर देना, अदरवाइज आप डिसेबल कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट्स आंसर सबमिट करने के बाद एडिट कर पाए तो आपने इसे इनेबल कर देना, अदरवाइज आपने डिसेबल कर देना, आपने इसे डिसेबल ही रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही है शो समरी। अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट ने जो भी रिस्पॉन्ड किया उसके आंसर देख सकें आफ्टर सबमिट तो आपने इसे इनेबल कर देना, अदरवाइज आपने इसे डिसेबल कर देना। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपके पास यहाँ पे लिंक क्रिएट हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके कॉपी लिंक पे क्लिक करके स्टूडेंट को लिंक सेंड कर सकते हो। एंड दोस्तों अगर आप इसी क्वेश्चन में साथ में करेक्ट आंसर एंड मार्क्स ऐड करना चाहते हो अपने ऐप से उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, एडिट फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे आप एडिट फॉर्म पे क्लिक करोगे तो अभी आपके पास यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन ऐड हो जाएगी जिसमें आपको एरो शो होगा, तो आपने यहाँ एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एरो पे क्लिक करोगे तो आपको शो हो जाएगा फॉर्म सेव्ड। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ब्राउजर चूज करने की ऑप्शन आएगी, तो आपने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर चूज करना है। अगर आप किसी अदर ब्राउजर के थ्रू ओपन करोगे तो आपको फॉर्म ओपन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपने क्रोम ब्राउजर चूज करना है। जैसे आप क्रोम ब्राउजर चूज करोगे तो यहाँ पे आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म को एडिट कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम करेक्ट आंसर चूज करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी भी यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करने की ऑप्शन नहीं आ रही, तो आपने यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी सेटिंग की। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे क्लिक करके करेक्ट ईमेल एड्रेस को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। एंड उसके बाद रिक्वायर्ड साइन इन, अगर आप चाहते हो कि स्टूडेंट एक ही बार रिस्पॉन्ड कर सके तो आपने यहाँ लिमिट रिस्पॉन्ड वन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रही है पेरेंट की। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि शफलिंग ऑर्डर में क्वेश्चन शो हो, कि फर्स्ट स्टूडेंट के पास फर्स्ट क्वेश्चन कहीं और शो हो एंड सेकंड स्टूडेंट के पास नंबरिंग में थर्ड फोर्थ या फिफ्थ पे शो हो, तो यहाँ पे शफलिंग ऑर्डर के थ्रू क्वेश्चंस शफल हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही है कन्फर्म मैसेज। दोस्तों आप किस टाइप का मैसेज स्टूडेंट को शो करना चाहते हो, जैसे स्टूडेंट फॉर्म को सबमिट करते हैं, जैसे यहाँ पे अभी शो हो रहा है रिस्पॉन्ड हैड बीन रिकॉर्डेड। दोस्तों नेक्स्ट आपने यहाँ क्विज पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्विज पे क्लिक करोगे तो आपने मेक दिस एक क्विज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो क्विज में कन्वर्ट हो चुका है। अभी आप साथ में यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं एंड साथ में यहाँ पे आप मार्क्स भी ऐड कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन शो हो रही है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। अगर आप स्टूडेंट को उसी समय मार्क्स शो करना चाहते हो तो आपने यहाँ इमीडिएट पे क्लिक कर देना है, अदरवाइज आपने लेटर पे क्लिक कर देना है।
तो आप मैन्युअली रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हो स्टूडेंट्स को, जिसके रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे गूगल फॉर्म्स की प्लेलिस्ट में वेट करके देख सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे शो हो रहा है मिस्ड आंसर, करेक्ट आंसर एंड पॉइंट वैल्यू। अगर आप ये ऑप्शन स्टूडेंट को शो करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करके जो भी ऑप्शन आप स्टूडेंट को शो करना चाहते हो आप यहाँ पे क्लिक करके शो कर सकते हो। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे विजिट करना है। जैसे आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे विजिट करोगे तो आपके पास यहाँ पे अभी न्यू आइकॉन क्रिएट हो जाएगा आंसर की एड पॉइंट्स। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने यहाँ पे पॉइंट्स ऐड करने की किस क्वेश्चन के कितने पॉइंट्स है। जैसे यहाँ पे मैं 5 पॉइंट्स कर रहा हूँ। उसके बाद आपने यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज़ करना है। जैसे आप यहाँ करेक्ट आंसर चूज़ करोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर में टिक शो हो जाएगी। उसके बाद आपने डन पे क्लिक करना है। दोस्तों तो यहाँ पे करेक्ट आंसर चूज़ हो गया। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करोगे फिर से यहाँ पे ब्लू कलर का टिक का साइन शो होगा, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे फिर से आपने वैल्यू ऐड कर देनी है, पॉइंट्स ऐड कर देनी है। एंड साथ में यहाँ पे आपने करेक्ट आंसर चूज़ करना है। उसके बाद आपने डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करना है कंपल्सरी है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे आपने फिर से क्वेश्चन के सेंटर पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ सेंटर पे क्लिक करोगे फिर से आपके पास क्वेश्चन ऑप्शन क्रिएट हो जाएगी। फिर से आप यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक करके राइट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। इस टाइप से आपकी सभी राइट ऑप्शंस ऐड हो जाएंगी। दोस्तों अगर आप कोई थीम चेंज करना चाहते हो, आप कोई थीम ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके थीम चेंज कर सकते हो। एंड अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज का कोई हेडर चूज़ करना चाहते हो, हेडर साथ में यहाँ पे लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करके हेडर लगा सकते हो। एंड अगर उसके बाद आपने सेंड पे क्लिक करना है, जैसे ही आप यहाँ सेंड पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी कि आप ईमेल के थ्रू सेंड करना चाहते हो, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके ईमेल्स एंटर कर देनी है। एंड ईमेल को सेपरेट करने के लिए कॉमा का यूज़ करना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी लिंक की, आप यहाँ पे क्लिक करके लिंक के थ्रू स्टूडेंट को फॉर्म सेंड कर सकते हो। एंड अगर आप शॉर्ट लिंक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके लिंक को शॉर्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने कॉपी पे क्लिक करना है। जैसे आप कॉपी पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म का जो लिंक है वो कॉपी हो जाएगा। दोस्तों अभी हम व्हाट्सएप के थ्रू लिंक को सेंड करेंगे। अभी आपने यहाँ पे थंब पे लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपने थोड़ी देर के लिए वेट करना है ताकि कि प्रॉपर गूगल फॉर्म का लिंक क्रिएट हो जाए। तो इस टाइप से गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपने सेंड पे क्लिक कर। दोस्तों जैसे स्टूडेंट यहाँ फॉर्म के लिंक पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट ने यहाँ ब्राउजर के थ्रू लिंक को ओपन करना है। उसके बाद फिर से ब्राउजर को चूज करना है। दोस्तों यहाँ पे अभी ईमेल आईडी रिक्वायर्ड शो हो रहा है। अगर टीचर ने इसे रिक्वायर्ड किया तो यहाँ पे रिक्वायर्ड शो होगा दोस्तों। उसके बाद स्टूडेंट अपने यहाँ पे नेम एंड रोल नंबर एंटर करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो पार्ट ए ओपन हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट ने यहाँ पे आंसर चूज करने, जैसे फर्स्ट आंसर था मल्टीपल चॉइस। उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है चेकबॉक्स, जो हमने चेकबॉक्स क्रिएट किया था दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है ड्रॉप डाउन, हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन चूज़ किया था। इस टाइप से स्टूडेंट रिस्पॉन्स चूज करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा योर रिस्पॉन्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड व्यू स्कोर। दोस्तों यहाँ पे शो हो रहा है 15 out of 15। एंड साथ में यहाँ पे शो हो रहा है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन राइट हैं एंड कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग हैं। दोस्तों अभी हम देखने वाले हैं कि टीचर के पास रिस्पॉन्स कैसे शो होंगे। दोस्तों टीचर को यहाँ पे रिस्पॉन्स गूगल क्रोम के थ्रू ही शो होंगे, क्योंकि हमने लिंक गूगल क्रोम के थ्रू सेंड किया था। अगर टीचर यहाँ पे लिंक फॉर्म्स ऐप के थ्रू शेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करके लिंक शेयर करते हैं, तो फॉर्म्स ऐप में रिस्पॉन्स शो होंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ तो यहाँ पे रिस्पॉन्स शो होंगे। अगर टीचर ने लिंक को गूगल फॉर्म के थ्रू सेंड किया तो गूगल फॉर्म के थ्रू रिस्पॉन्स शो होंगे। अभी यहाँ पे स्टूडेंट टीचर के पास 1 रिस्पॉन्स शो हो गया है। जैसे यहाँ पे टीचर ने इंडिविजुअल पे क्लिक करना है, जैसे टीचर इंडिविजुअल पे क्लिक करेगा तो टीचर के पास यहाँ पे सभी स्टूडेंट के इंडिविजुअली स्कोर शो हो जाएंगे। अगर टीचर इन रिस्पॉन्स को स्प्रेडशीट में देखना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करना है स्प्रेडशीट पे। जैसे स्प्रेडशीट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्प्रेडशीट है, आप उसी में रिस्पॉन्स ऐड करना चाहते हो, तो आपने सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पे क्लिक करना है। अगर आप न्यू ऐड करना चाहते हो तो आपने यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों जैसे ही आप यहाँ क्रिएट पे क्लिक करोगे तो न्यू स्प्रेडशीट क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आपने ईमेल आईडी चूज करनी है जिसमें स्प्रेडशीट आप क्रिएट करना चाहते हो। दोस्तों यहाँ पे शो हो रहा है ओपनिंग इन गूगल ड्राइव।
अभी हम गूगल ड्राइव में ओपन करेंगे, डैशबोर्ड ओपन करना है तो आपने गूगल ड्राइव में विजिट करना है। उसके बाद आपको पास यहाँ पे शो हो जाएगा दोस्तों, आपने यहाँ पे गूगल एक्सेल डाउनलोड कर लेना है अगर आपके पास ये फाइल ओपन नहीं हो रही तो। फर्स्ट आपके पास यहाँ पे शो होगा टाइम स्टैम्प, यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा डेट एंड टाइम जब स्टूडेंट ने रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद ईमेल एड्रेस, उसके बाद स्कोर, उसके बाद नेम, रोल नंबर, जितने भी कॉलम आपने क्रिएट किए हैं क्वेश्चन के आपके पास यहाँ पे सभी शो हो जाएंगे। इस टाइप से आपके पास फुल क्लास की डिटेल एक ही शीट पे शो हो जाएगी, आपको सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने फिर से बैक पे क्लिक करना है। अगर आप उसी फॉर्म को फिर से ओपन करना चाहते हो, कोई एडिट करना चाहते हो या फिर से कोई लिंक शेयर करना चाहते हो तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर से आपके पास वो फॉर्म ओपन हो जाएगा दोस्तों। अगर आपकी गूगल फॉर्म, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, टेस्टिमोज या फिर फॉर्म्स ऐप के रिलेटेड कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो मेरी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।